हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के गठन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का हिस्सा कौन कौन होंगे ये तो भी वक्त की कोख में है, मगर अभी से ही भाजपा नेताओं ने ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर दावेदारी पेश कर दी है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां भाजपा के विधायक और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के करीबी देवेंद्र सिंह लोधी ने कल्याण सिंह को ट्रस्ट के चेयरमैन बनाने की मांग कर सियासी और धार्मिक पारा बढ़ा दिया है। जैसे ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 महीने बाद राम मंदिर से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए एक डेस्क बनाने की घोषणा की और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के गठन को लेकर अयोध्या में जैसे हलचल शुरू हुई, वैसे ही राजनीतिक मंचों पर भी इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। कभी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे बाबूजी कल्याण सिंह की भूमिका को लेकर उनकी करीबियों ने आवाज बुलंद कर दी। देखिए, परम पूज्य बाबूजी को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। राम मंदिर जो आंदोलन के दौरान बाबूजी ने जो अपने मुख्यमंत्री पद के कुर्सी में भी ठोकर मार दी थी, बाबूजी जैसा त्यागी तपस्वी और कुशल प्रशासक कोई दूसरा नहीं है। बाबूजी हिंदू हृदय सम्राट हैं और उनको जो है राम मंदिर का ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए जाने से सारी जनता की भावनाओं को सम्मान मिलेगा। बाबूजी उस समय पर जेल, एक तरह की जेल भी हुई है और बाबूजी ही ऐसे थे जो जिन्होंने जो खुलकर आंदोलन किया, बाबूजी की पूरी हमें भूमिका रही है। कल्याण सिंह को ट्रस्ट के चेयरमैन बनाने की मांग करते हुए भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह ने कल्याण सिंह के जेल जाने और मुख्यमंत्री तक की कुर्सी ठुकराने का हवाला दे डाला और बाबूजी को हिंदुओं हृदय सम्राट कह दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।